जो मैं आपसे पूछूंगा वो आपको बोलना है, मेरे साथ बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, अच्छे से बोलना है। मैंने कहा सबसे पहला सेंटेंस, या तो यहां बैठो या फिर वहां बैठो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? सिट आइदर हियर हियर और देयर। मैं ना तो यहां बैठूंगा ना ही वहां, क्या कहोगे? आई विल सिट नाइदर हियर नॉर देयर। आई विल सिट नाइदर हियर नॉर देयर। नेक्स्ट, करो जो आप कर सकते हो, डू वॉट यू कैन। बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक वॉट यू कैन। मुझे नहीं बोलना, आई डोंट हैव टू स्पीक। मुझे बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक। जब आप कोई काम करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कहोगे? आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक। मैं बोलना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक। मैं लिखना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू राइट। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी। ओके, आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी से कहें कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्टडी। आपको सेंटेंसेस नहीं बनाने चाहिए, यू शुड नॉट मेक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। जब आपको कोई काम करना पड़ता है तो क्या कहोगे? आई हैव टू मेक सेंटेंसेस। मुझे सेंटेंसेस नहीं बनाने पड़ते हैं, क्या कहोगे? आई डोंट हैव टू मेक सेंटेंसेस। आई डोंट हैव टू मेक सेंटेंसेस। मैं इंग्लिश सीखा करता था, क्या कहोगे? मैं इंग्लिश सीखा करता था, आई यूज टू लर्न इंग्लिश। आई यूज टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। फिर से बोलो, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। आपको वहां जाना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या कहेंगे? आपको वहां जाना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू गो देयर एंड स्टडी। मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं मूवी नहीं देखना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू वॉच मूवी। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, यू मस्ट वॉच दिस मूवी। आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए, एक बार के लिए होगा वंस, जरूर के लिए लगेगा मस्ट। यू मस्ट वॉच दिस मूवी वंस, यू मस्ट वॉच दिस मूवी वंस। मैं वहां कई बार जा चुका हूं, क्या कहोगे? आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स। आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स। मैं कई बार पढ़ाई कर चुका हूं, आई हैव स्टडीड मेनी टाइम्स। मुझे पढ़ाई करना पसंद है, आई लाइक टू स्टडी। मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू मेक सेंटेंसेस? आप क्या कर रहे हो अभी? एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करो विद ऑनेस्टी। आप क्या कर रहे हो अभी? वॉट आर यू डूइंग नाउ? कम ऑन, वॉट आर यू डूइंग नाउ? मैं अभी परसोना इंस्टीट्यूट से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा हूं। आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश फ्रॉम परसोना इंस्टीट्यूट। एक बार पूरी तरह से अटेंटिव हो जाओ, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लिसनिंग एवरी वन। वंस यू लिसन एवरीथिंग वेरी केयरफुली, यू श्योरली इंप्रूव योर सेल्फ। एक बार पूरा 100% दो अपना। क्या आप सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? कम ऑन, क्या आप सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? आर यू लिसनिंग वॉट आई एम स्पीकिंग? एक बार बोलो सभी, आर यू लिसनिंग वॉट आई एम स्पीकिंग? मैं नहीं सुन रहा हूं जो आप बोल रहे हो, क्या कहेंगे? मैं नहीं सुन रहा हूं जो आप बोल रहे हो। आई एम नॉट लिसनिंग, आई एम नॉट लिसनिंग जो आप बोल रहे हो। वॉट यू आर स्पीकिंग, वॉट यू आर स्पीकिंग। क्या आपको बोलना पड़ता है, क्या कहेंगे हम? डू यू हैव टू स्पीक, डू यू हैव टू स्पीक? क्या आपको यहां आना पड़ता है? Do you have to come here? आप यहां कैसे आए? How did you come here? आप वहां कैसे गए? How did you go there? आप वहां क्यों गए? आप वहां क्यों गए? क्यों के लिए क्या लगेगा? Why? Why did you go there? आपने पढ़ाई क्यों की? Why did you study? क्या आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हो?
क्या आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू स्टडी? क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो? क्या कहेंगे? आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश? आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश? हां, मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं. यस, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश. यस, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश. आपको सुनना चाहिए, यू शुड लिसन. आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक. आपको अवश्य बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए. यू मस्ट स्पीक. जितना आप बोलोगे उतना आप सीखोगे. द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न. जितना आप सुनोगे ना उतना ज्यादा आप अपने आप को इंप्रूव करोगे. द मोर यू लिसन द मोर यू इंप्रूव योर सेल्फ. ध्यान से सुनो और बोलो. ध्यान से सुनो और बोलो. क्या कहेंगे? लिसन केयरफुली. कम ऑन, लिसन केयरफुली एंड स्पीक. आपको हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए. आपको हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए. क्या कहेंगे हम? यू शुड. हमेशा के लिए यूज होगा ऑलवेज. यू शुड ऑलवेज लिसन केयरफुली. आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग. मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस वर्क. मैं वहां नहीं जा सकता, आई कांट गो देयर. आपको परमिशन लेनी चाहिए पहले. क्या कहेंगे? फर्स्ट यू शुड टेक परमिशन. यू शुड टेक परमिशन फर्स्ट. फर्स्ट को आगे पीछे कर सकते हो. फर्स्ट यू शुड टेक परमिशन या यू शुड टेक परमिशन फर्स्ट. मुझे परमिशन नहीं लेनी. क्या कहोगे? मुझे परमिशन नहीं लेनी. आई डोंट हैव टू टेक परमिशन. फिर से बोलो, मुझे परमिशन नहीं लेनी. आई डोंट हैव टू टेक परमिशन. मुझे वहां नहीं जाना, आई डोंट हैव टू गो देयर. मुझे यहां आना है, आई हैव टू कम हियर. मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश. मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश. मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी. मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी. फिर से बोलो, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी. आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी. मैं उससे कई बार मिल चुका हूं. I have met him many times. मैं उससे कई बार मिल चुका हूं. I have met him many times. ठीक है? मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां आप जा रहे हैं. I don't want to go there where you are going. I don't want to go there where you are going. आपको इस बारे में सोचना चाहिए. You should think about it. आपको पढ़ाई करनी चाहिए. You should study. मैं पढ़ाई करना चाहता हूं. I want to study. मैं बोलने के लिए तैयार हूं. I am ready to speak. मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं. आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू. आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू. मैं जानता हूं आप कुछ नया सीखना चाहते हैं. आई नो यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू. मैं जानता हूं आप कुछ नया बोलना चाहते हैं. आई नो यू वॉन्ट टू स्पीक समथिंग न्यू. आप क्या बोल रहे हो? कम ऑन, आप क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू स्पीकिंग? आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्या आप सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? Are you listening what I am speaking? Are you listening what I am speaking? हाँ, मैं सुन रहा हूं जो आप बोल रहे हो. Yes, I am listening what you are speaking. मुझे सुनना पसंद है. I like to listen. मुझे बोलना पसंद है. I like to speak. मुझे sentences बनाना पसंद है. I like to make sentences. आपको sentences बनाने पड़ेंगे. You will have to make sentences. आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप कोशिश करो तो. जैसे ही आया, कुछ भी नहीं असंभव है, मतलब देयर से बनेगा. देयर इज नथिंग. कम ऑन, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू इफ यू ट्राई. एक बार कोशिश करो सारे स्टूडेंट. देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू इफ यू ट्राई. अगर आप कोशिश करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं. इफ यू ट्राई, आप सब कुछ कर सकते हैं. यू कैन डू एवरीथिंग. अगर आप कोशिश करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं. यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू ट्राई. मुझे बोलना पड़ता है. आई हैव टू स्पीक. आई हैव टू स्पीक. मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है. क्या कहोगे? बोलो. आई हैव टू स्टडी. मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी. बोलो. आई विल हैव टू स्टडी. मैं कॉलेज जाया करता था. आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज. मेरे पास समय है वहां जाने के लिए. I have time to go there. मैं English सीखना चाहता हूँ. I want to learn English. क्या आप इस काम को कर सकते हो? Can you do this work? आप वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there?
आप क्यों उसकी मदद कर रहे हो, वाई आर यू हेल्पिंग हिम? मैं उसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है, आई एम हेल्पिंग हिम बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, मेरा दोस्त होने के नाते यू नो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उससे की मदद करूँ। देखो जब भी कोई नाता लग जाता है तो उसके लिए बिंग लगाता है स्टूडेंट, बिंग माई फ्रेंड, बिंग माई फ्रेंड, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम। ठीक है, बींग माई फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त होने के नाते इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने कहा टीचर होकर भी, एक अच्छा टीचर होकर भी वो इस टॉपिक को नहीं पढ़ा पाए, क्या बोलेंगे? बींग अ गुड टीचर, बींग अ गुड टीचर, ही कुड नॉट टीच दिस टॉपिक, वो टॉपिक नहीं पढ़ा पाया। ऐसे मैंने एक सेंटेंस आपसे पूछा, बींग अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद, एक अच्छा डॉक्टर होकर या एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते, बींग अ गुड डॉक्टर यू शुड ट्रीट हिम, यू शुड ट्रीट हिम, आपको उसका इलाज करना चाहिए, आपको उसे ट्रीट करना चाहिए। और भैया यहां पर ये जो सेंटेंस दिया बींग अ गुड टीचर का मतलब होता है अच्छा टीचर होने के नाते ही कुड नॉट टीच हिम, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पर लगेगा इन स्पाइट ऑफ, क्या लगेगा? इन स्पाइट ऑफ बींग अ गुड टीचर, ऐसा करना उसको, इन स्पाइट ऑफ बींग अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर होने के बावजूद भी ही कुड नॉट टीच दिस टॉपिक, वो टॉपिक को नहीं पढ़ा पाया। और दूसरा बींग अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद, ये मतलब नहीं निकल रहा है इसका, इसका मतलब निकल रहा है एक अच्छा डॉक्टर होकर तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें उसको ट्रीट करना चाहिए, तुम्हें उसकी जान बचानी चाहिए। ठीक है ना, और तुम उसकी जान नहीं बचा पाए एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो बनेगा यू कुड नॉट सेव हिज लाइफ। ठीक है, यू कुड नॉट सेव हिज लाइफ इन स्पाइट ऑफ बींग अ गुड डॉक्टर, राइट? कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। तो मैं चाहूंगा आप इस तरीके से चीजों को स्टडी करें, इस तरीके से समझें, ताकि आपको सारी चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। मैंने कहा मैं स्टेज पर हूं, आई एम ऑन द स्टेज, आई एम ऑन द स्टेज, एक एक स्टूडेंट को बोलना है, है ना, मैं स्टेज पर हूं, आई एम ऑन द स्टेज, मुझे स्टेज पर रहना पसंद है, अब जो काम करना आपको पसंद है, आई लाइक टू स्टे ऑन द स्टेज, I like to stay on the stage. स्टे का मतलब यहाँ रहना, ठहरना, रुकने के सेंस में आ रहा है। I like to stay on the stage. भाई मुझे ना बोलना पसंद है, सुनना नहीं। See, I like to speak, not listen. Not to listen. आपको बोलने के साथ साथ सुनना भी चाहिए, आपको बोलने के साथ साथ सुनना भी चाहिए। तो you should listen along with speaking. एक तो यह आएगा, साथ में आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि यू शुड लिसन एज वेल एज स्पीक। तो आपको बोलने के साथ साथ एज वेल एज स्पीक यू शुड लिसन, या अलोंग विद स्पीकिंग, अलोंग विद लगाओगे तो स्पीकिंग आएगा, एज वेल एज लगाओगे तो वो आपकी फर्स्ट वन आएगी, ये थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एज यू नो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश सीखना आसान है, बोलना कठिन। लर्निंग इंग्लिश इज इजी बट स्पीकिंग इज टफ। कौन कहता है इंग्लिश बोलना कठिन है? हु सेज स्पीकिंग इज टफ? हु सेज स्पीकिंग इंग्लिश इज टफ? हु सेज इट इज टफ टू स्पीक इंग्लिश? ओके, इंग्लिश बोलना उतना ही आसान है जितना खाना खाना। वाओ, चलो इसकी इंग्लिश बना के बताओ। इंग्लिश बोलना उतना ही आसान है जितना कि खाना खाना। English speaking या speaking English कर दो, पहले वर्ब लगा दो, वो ज्यादा सही हो जाएगा। Speaking English का मतलब होगा English बोलना। Speaking English is as easy, उतना ही आसान है as eating food. You got it? दौड़ना उतना ही आसान है जितना चलना, क्या कहेंगे? Running is as easy as walking. आपने कहा दौड़ना उतना आसान नहीं जितना कि चलना, नेगेटिव कर दो तो क्या कहोगे? Running is not so easy as walking.
रनिंग इज नॉट सो इजी एज वॉकिंग. रनिंग इज नॉट सो इजी, दौड़ना इतना आसान नहीं है जितना कि चलना. आपको सुनना चाहिए, यू शुड लिसन. आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक. आपको बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक. आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, यू हैव टू स्टडी. मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी. मैं पढ़ाई करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टडी. आप वहां कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर. आप इस काम को कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस वर्क. मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक. मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी. बोलो एक बार फिर से, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी. क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या आपके लिए क्या लगेगा, डू यू हैव टू स्टडी. बोलो एक बार फिर से, क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, डू यू हैव टू स्टडी. आपको पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है, व्हाई डू यू हैव टू स्टडी, व्हाई डू यू हैव टू स्टडी. और किसे पढ़ाई करनी पड़ती है, हु हैज टू स्टडी. किसे वहां जाना पड़ता है, हु हैज टू गो देयर. मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर. मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो देयर. क्या आप वहां जाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो देयर. क्या आप यहां आना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू कम हियर. आप यहां क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग हियर. मैं यहां आ रहा हूं क्योंकि मुझे यहां कुछ काम है. आई एम कमिंग हियर बिकॉज आई हैव सम वर्क हियर. बोलो एक बार फिर से, मैं आ रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ काम है. आई एम कमिंग हियर बिकॉज मुझे कुछ काम है. आई हैव सम वर्क, आई हैव सम वर्क. मुझे कुछ काम नहीं है, आई डोंट हैव एनी वर्क. आई डोंट हैव एनी वर्क. मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू. मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर. आप वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर. कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है ना, स्पीडली बोलने की आदत डालो, है ना. ट्रांसलेट कॉन्फिडेंटली करो, फिर देखो मैजिक. आप भाषा बहुत सरल दोस्त है ना.